एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा होने वाला है। आज और कल लखनऊ में रहेंगे। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह महर्षि यूनिवर्सिटी के संत समागम कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। महाराजा हरिश्चंद्र जयंती के कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। कल इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। स्थानीय सांसद इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 दिनों के लखनऊ दौरे पर रहने वाले हैं राजनाथ सिंह। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कल इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। आज भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 दिवसीय लखनऊ के दौरे पर रहने वाले हैं देश के रक्षा मंत्री और स्थानीय सांसद राजनाथ सिंह। कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। शेखर त्रिवेदी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए लखनऊ जुड़ रहे हैं। शेखर जी, पूरे कार्यक्रम के बारे में बताइए। ऐसा है कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री देश के अभी थोड़ी देर के बाद राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे। उनका करीब 11:30 बजे के आसपास लखनऊ आने का कार्यक्रम है। इसके बाद महर्षि यूनिवर्सिटी जाएंगे जहाँ पर संत समागम है। फिर शाम को कुछ और कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसके बाद कल एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह है, उसमें वो शिरकत करेंगे। इस बीच अपने संसदीय क्षेत्र के विभिन्न लोगों से वो मिलेंगे, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके चाहने वाले हैं, अलग अलग कार्यक्रमों में उनके शामिल होंगे। और इसके साथ ही जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट होने वाला है, उसको लेकर के भी वो मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि डिफेंस को लेकर के, डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को लेकर के काफ़ी चीज़ें हैं जो उत्तर प्रदेश में कई कंपनियां हैं जो करना चाहती हैं। उस दिशा में भी इस बात की संभावना है कि वो अथॉरिटीज़ के साथ में या अधिकारियों के साथ में एक मीटिंग कर सकते हैं। राजधानी लखनऊ के जो अध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष हैं मुकेश शर्मा, वो उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करेंगे। कल इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि एक निजी यूनिवर्सिटी है, उसमें भी वो शिरकत करेंगे। कल का ये कार्यक्रम है जिसमें देश के रक्षा मंत्री पहुंचेंगे और इस दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगे। शुक्रिया शेखर आनंद त्रिवेदी हमारे सहयोगी लखनऊ से पूरे कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। लखनऊ के दौरे पर रहने वाले हैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 2 दिनों के दौरान वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार की। हिमाचल में सुक्खू कैबिनेट मंत्रियों का विभागों का बंटवारा हो गया है। तमाम जो महत्वपूर्ण विभाग है मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने पास रखे हैं। वित्त से लेकर के कार्मिक विभाग और गृह विभाग जो है मुख्यमंत्री सुक्खू के पास ही रहने वाला है। हर्षवर्धन को मिला है उद्योग विभाग। रोहित ठाकुर शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। विक्रमादित्य को पीडब्ल्यूडी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां पर सुक्खू कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हो चुका है। विक्रमादित्य को पीडब्ल्यूडी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हिमाचल में सुक्खू कैबिनेट मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। हालांकि तमाम जो महत्वपूर्ण विभाग हैं वो मुख्यमंत्री सुक्खू के पास ही रहने वाले हैं। वित्त विभाग भी उनके पास रहने वाला है। गृह विभाग और कार्मिक विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग जो हैं वो मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रोहित उच्च शिक्षा विभाग प्रारंभिक शिक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। विक्रमादित्य को पीडब्ल्यूडी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जसवीर हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए शिमला जुड़ रहे हैं। जसवीर, तमाम जो महत्वपूर्ण विभाग हैं सुक्खू ने फिलहाल अपने पास ही रखे हैं। कांग्रेस की नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल का जो आज बंटवारा हुआ, उनमें से 5 ऐसे नए चेहरे हैं जो बिल्कुल नए मंत्री बने। और खुद जो सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले आप कभी भी मंत्री नहीं बने, जो तो नए मंत्रिमंडल में चेहरे लिए हैं, वो पहली बार बनने के ऊपर भरोसा जताया है। फिर भी शुक्रिया जसवीर इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। और बात ऑटो एक्सपो की। ऑटो एक्सपो 2023 से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं। ऑटो एक्सपो का आज औपचारिक उद्घाटन होने वाला है। केंद्रीय उद्योग मंत्री परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसका उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज ऑटो एक्सपो का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन करेंगे। यूपी के उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ मोबिलिटी ऑटो एक्सपो की थीम है।
तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज औपचारिक ऐलान हो जाएगा ऑटो एक्सपो का। एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ मोबिलिटी ऑटो एक्सपो की थीम है। ऑटो एक्सपो का 16वां एडिशन आज से शुरू हो रहा है। औपचारिक तौर पर केंद्रीय उद्योग मंत्री नितिन गडकरी इसका उद्घाटन करेंगे और इस दौरान उत्तर प्रदेश के उद्योग मंत्री महेंद्रनाथ पांडे भी मौजूद रहेंगे। बता देंगे 16वें ऑटो एक्सपो संस्करण की थीम एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ मोबिलिटी रखा गया है। ऑटो एक्सपो का 16वां एडिशन है, आज से ग्रेटर नोएडा में शुरू होने जा रहा है। औपचारिक तौर पर इसमें कार कंपनियां, टू व्हीलर OEM, EV कंपनियां और कमर्शियल गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां शामिल हो रही हैं। विजिटर को यहां गाड़ियां देखने का मौका मिलेगा, जैसे मारुति, टोयोटा, टाटा, किया, महिंद्रा जैसी तमाम कंपनियां शोकेस कर रही हैं। इवेंट में सुरक्षित और ग्रीन वाहन दिखाए जाएंगे, ये इसकी खासियत रहने वाली है। तो आज नितिन गडकरी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे और कल से आम लोगों के लिए ये ऑटो एक्सपो खुल जाएगा। 18 कंपनियां इसमें हिस्सा ले रही हैं। ग्रीन एनर्जी पर ज्यादा फोकस है इस ऑटो एक्सपो में। आज नितिन गडकरी इसका उद्घाटन करेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। इवेंट में दिखाए जाएंगे सुरक्षित और ग्रीन वाहन, ये इसमें खासियत रहने वाली है इस ऑटो एक्सपो की। ऑटो एक्सपो का उद्घाटन आज होने वाला औपचारिक तौर पर, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसका उद्घाटन करेंगे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, ऑटो एक्सपो की खासियत क्या रही है और यहाँ पर जिस थीम के साथ गाड़ियों को पेश किया जा रहा है कंपनियों की तरफ से, वो हम आपको लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इवेंट में दिखाए जाएंगे सुरक्षित और ग्रीन वाहन। 18 से ज्यादा कंपनियां इस ऑटो एक्सपो में शिरकत कर रही हैं इस बार। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज इस ऑटो एक्सपो का औपचारिक तौर पर उद्घाटन करने वाले हैं। रवीश मिश्र हमारे सहयोगी ग्रेटर नोएडा से जुड़ रहे हैं इस ऑटो एक्सपो के बारे में बताने के लिए। रवीश, क्या खास है इस बार के ऑटो एक्सपो में? कल से क्योंकि ऑटो एक्सपो स्टार्ट हुआ और कल जो हमने देखा और आज जो हम देख रहे हैं, ज्यादातर जो ऑटो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ है और हर कंपनी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पेश कर रही है, क्योंकि सब जानते हैं कि फ्यूचर ऑफ कार्स जो है वो इलेक्ट्रिक कार ही है। तो हमने कल देखा था मारुति ने अपने डिस्प्ले किया था इलेक्ट्रिक व्हीकल को, टाटा ने बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल डिस्प्ले किया और हम एमजी में इस वक्त एमजी का पवेलियन में आपको दिखाता हूँ और इस एमजी के पवेलियन में भी कल बहुत सारी ईवीज को उन्होंने लॉन्च किया था। अभी भी उन्होंने नई गाड़ी लॉन्च की है, थोड़ी देर पहले वो नई गाड़ी लॉन्च की है और वो हाइड्रोजन बेस्ड है। यानी कि जो हमारे जो मंत्री हैं, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, वो कहते हैं कि डिफरेंट फ्यूल्स अब यूज होने चाहिए, डिफरेंट फ्यूल पेट्रोल और डीजल पे जो है निर्भरता नहीं होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन की जो गाड़ी है वो भी यहाँ पे लॉन्च की गई है एलजी की तरफ से और सबसे ज्यादा इनोवेशन जो अभी हमने देखा इस पवेलियन में वो एलजी ने दिखाया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक की एक बहुत बड़ी रेंज उन्होंने यहाँ पे दिखाई है। आज रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी यहाँ पर आएंगे, वो ऑटो एक्सपो का जायजा लेंगे, देखेंगे कि क्या क्या चीज जो है अपार्ट फ्रॉम पेट्रोल एंड डीजल वर्जन ऑफ द कार, इलेक्ट्रिक और भी जो बायोफ्यूल्स है उनकी कितनी ज्यादा गाड़ियां यहाँ पे दिखती है। तो आज अगर हम बात करें, कल हमने देखा था शाहरुख खान आए थे, आज नितिन गडकरी आ रहे हैं और ओवरऑल अगर हम देखेंगे जो इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स की है, जिसमें टाटा सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरर है इंडिया का, उसने भी अपनी जो गाड़ियां हैं वो सीएनजी वर्जन को लॉन्च किया पंच के और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक कार का डिस्प्ले किया है। वहीं टाटा की तरफ से कॉन्सेप्ट कार भी पेश की गई है जो भविष्य में आ सकती है और उसका जो लुक है वो काफी डायनामिक है। कुंदन, तो हमारे सहयोगी रवीश मिश्र मौजूद हैं। कितने बजे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी वहां पर पहुंच जाएंगे और औपचारिक तौर पर उद्घाटन हो जाएगा? रवीश, कुंदन 12 बजे उनका टाइम बताया गया है कि 12 बजे वो यहाँ पर आएंगे नितिन गडकरी और डिफरेंट पवेलियंस में वो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही पवेलियन में उनको मूव करना है, वो डिफरेंट जो ऑटोमोबाइल पवेलियन यहाँ पे बनाए गए हैं डिफरेंट कार मैन्युफैक्चरर्स के, उससे वो जाएंगे, डेफिनेटली जो इंडियन मेड कार है वहां पे भी वो जाएंगे और जनरली जैसा मैंने आपको कहा कि इस बार फोकस जो है ऑटो एक्सपो का वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक कार का है और हर कंपनी यही कोशिश कर रही है कि मार्केट में अपनी इलेक्ट्रिक कार को लाए, यानी कि ईवीज को पेश करे, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं।
सरकार खुद ये नहीं चाहती कि आत्म जो निर्भरता है वो पेट्रोल डीजल पे ज्यादा रहे। सबसे बड़ी बात ये भी है कि नितिन गडकरी ने बहुत पहले कहा था कि सब्सिडाइज किया जाएगा, इसलिए हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक कार्स है उनकी जो कीमत है उसमें टैक्सेस बहुत कम है, उनको सब्सिडाइज किया गया है और इसलिए विदेशों में बहुत महंगी कारें मिलती है, वो इंडिया में आकर क्योंकि सब्सिडाइज रेट है उसका, तो विदेशों से अगर हम कंपेरिजन करें तो उनका रेट थोड़ा यहाँ पे कम मिलता है। शुक्रिया रवीश इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। और अब 9 बजे 9 रिपोर्टर में रुक करते हैं आखिरी खबर का। सीएम नीतीश कुमार का आज दरभंगा दौरा होने वाला है, जिले में 3 जगहों पर सीएम का कार्यक्रम तय किया गया है। वाटर सोलर प्लांट का भी निरीक्षण करने वाले हैं दरभंगा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दरभंगा में तारामंडल का भी उद्घाटन करेंगे नीतीश कुमार। हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के एपीएम थाना क्षेत्र में सीएम का आज तीसरा कार्यक्रम होगा। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दरभंगा दौरा है, इस कारण कई मार्गों को बंद किया गया है। जहां जहां से मुख्यमंत्री का काफिला गुजरेगा उस मार्ग पर आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। जिला प्रशासन ने दरभंगा का यातायात रूट भी बदला है। ट्रैफिक डीएसपी बिरजू पासवान ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है दरभंगा जिले में जिन सड़कों पर मुख्यमंत्री का काफिला गुजरेगा वहां से आम लोगों या निजी वाहनों का परिचालन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जिले में मुख्यमंत्री का 3 जगहों पर कार्यक्रम होने की संभावना है जिसमें वो एक वाटर सोलर प्लांट को भी देखेंगे। सीएम नीतीश कुमार का दूसरा कार्यक्रम तारामंडल के उद्घाटन से जुड़ा है, जबकि हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के एपीएम थाना क्षेत्र में उनका तीसरा कार्यक्रम होगा। संजीव राय हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं पटना से। संजीव, क्या खास रहने वाला है दरभंगा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री आज दरभंगा में रहने वाले? सागर, अब से कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी कि 10 बजे वो निकलेंगे झारखंड के लिए और ये पूरा जो दौरा है 5 घंटे का कार्यक्रम है। सबसे पहले वो वाटर सोलर प्लांट है उसका वो निरीक्षण करेंगे, देखेंगे, तारामंडल का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद जो महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही है उस पर वो समीक्षा करेंगे। उसके साथ साथ जो जीविका दीदी है उनसे वो मिलेंगे और जो जानकारी मिल रही है कि दिव्यांगों के लिए ई रिक्शा का वितरण होगा कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे और अंतिम जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, इसके तहत जिन लोगों को उद्यमियों को सरकार की तरफ से जो सहायता मिल रही है उसको उनके बीच वो चर्चा करेंगे और लगभग 3:30 बजे वो दरभंगा से लौटकर पटना आएंगे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना जा रहा है और ये समाधान यात्रा लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा रहे हैं, कई जिलों में जा चुके हैं और 29 फरवरी तक ये लगातार जारी रहेगा। और देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री को यह जानकारी मिल रही है कि आखिर जो कार्यक्रम होते हैं या जो अधिकारी हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या उनके द्वारा जो किए गए काम है या। शुक्रिया संजीव इस खबर पर जानकारी देने के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, हरियाणा के पानीपत में आग का तांडव देखने को मिला है। घर में सिलेंडर फटने से आग लग गई है, भीषण आग लगी है। पति पत्नी सहित 4 बच्चों के जिंदा जलकर मौत की भी खबर मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हरियाणा के पानीपत में बड़ा हादसा हुआ है, सिलेंडर में आग लगी है, फिर धमाका हुआ है जिसमें पति पत्नी समेत बच्चों के जिंदा जलने से मौत हुई है, कुल 4 लोगों की जान गई है। खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लगी थी और फिर धमाका हो गया, मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लगी, मौके पर राहत बचाव का काम इस वक्त चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हरियाणा के पानीपत से जुड़ी हुई, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। घर में सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई, पति पत्नी सहित 4 बच्चों के जिंदा जलकर मौत की भी खबर मिल रही है। खाना बनाते समय यह हादसा हुआ है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौके पर राहत बचाव का काम इस वक्त चल रहा है। हरियाणा के पानीपत में ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, आग लगने के बाद सिलेंडर में धमाका हो गया, सिलेंडर फट गया और घर में मौजूद पति पत्नी और बच्चों की मौत हो गई, कुल मिलाकर के 4 लोगों की जान गई है।